हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुशहाल हैं। कभी कभी सर्दियों में ऐसा होता, उठने का मन नहीं करता, तो आलस ना करें। जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है, जब भी आप सोएं अपने सपने को याद करके सोएं, जब भी आप उठें तो वही याद करें। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या बारिश, कुछ मायने नहीं रखती जब तक अपने सपने नहीं पूरे होते हैं। तो इसी जोश के साथ उठें, मुझे भी कुछ करना है, क्योंकि मन है ना, वो कभी कुछ करने नहीं देता इंसान को, बस उससे यही कहता है ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर। तो मन की ना सुने, सिर्फ अपने सपने की सुने, और जो आपको करना है वो करें। तो आइए, आज का मेरा टॉपिक है गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर, जिन्हें हम ट्रिक से याद करते हैं। तो इसकी ट्रिक है, काना बाप हवाई वेग से भागा। काना बाप हवाई वेग से भागा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, काना बाप हवाई वेग से भागा। इस तरीके से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो काना से हो जाएगा क्या, हो जल्दी से लिखिए, काना से हो जाएगा कानपुर, बा से हो जाएगा बक्सर, पा से हो जाएगा पटना, फा से हो जाएगा हरिद्वार, और वा से हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी को क्या कहते हैं? तो वाराणसी को सांस्कृत राजधानी शंघाई की बनाया गया है। ई से हो जाएगा इलाहाबाद, और इलाहाबाद का क्या नाम रख दिया गया, प्रयागराज। अब इसको क्या कहते हैं, प्रयागराज इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम चेंज हो चुका है। वे से हो जाएगा वेसु सराय, और से हो जाएगा साहेबगंज, और भागा से हो जाएगा भागलपुर। तो ये हमारा ट्रिक से था, गंगा किनारे प्रमुख शहर। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी है, और अपना प्यार हमारे तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू क्लास, बाय बाय।